हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दो चर वाली एक रैखिक समीकरण जो होती है उसका हल संगत या असंगत। साथियों, अपना टॉपिक लिखा हुआ है कि संगत है या असंगत है। देखिए, हम वीडियो पर चलते हैं तो अपना देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी चर हो सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, यहां पर देखिए क्या है, x चर है। ठीक है दोस्तों, चर का मतलब होता है जिसका मान समय और स्थिति के अनुसार या समीकरण को संतुष्ट के अनुसार मान बदलता रहता है, उसको हम चर कहते हैं। और जहां a व b पूर्णांक है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में है वो है आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण। देखिए सारे, दो चर की मतलब ये हो गया आपके पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये इसका मानक रूप है। कौन सा है? रैखिक समीकरण का मानक रूप। यहां मैं लिख देता हूं रैखिक करण का मानक रूप ये वाला है, जहां ए बी और सी पूर्णांक है आपके। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये संख्या आपकी, ये गुणांक जो है आपके प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी। पूर्णांक का मतलब हम पढ़ते हैं, पूर्णांक जो होते हैं ये आपके जैसे अनंत, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, अनंत तक चलता रहता है, ये आपकी पूर्णांक है। इनमें से कोई भी राशि हो सकती है। अब बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास ये संगतता और असंगतता क्या होती है रैखिक समीकरण युग्म में। युग्म की बात करते हैं, युग्म का मतलब होता है दो रेखाएं, दो रैखिक समीकरण एक साथ हो तब हम उनको एक युग्म कहते हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ a1x b1y c1 = 0 और a2x b2y c2 = 0, ये आपके पास ये पहली समीकरण है रैखिक, ये दूसरी समीकरण है। इस प्रकार से दो समीकरण अगर हमारे साथ होती है हम उसको रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। अब बात आती है अपने संगतता और असंगतता, ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या, इनके जो गुणांक है आपके पास a1 b1 c1 एंड a2 b2 और c2, इनकी तुलना करके हम बता सकते हैं कि इनका जो हल है वो संगत होगा या असंगत होगा। चलिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपकी ये समीकरण है, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, गुणांक देखते हैं। ये गुणांक है, गुणांकों का अनुपात। ठीक है, अपना पास a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर इनमें से हमारे पास ये अनुपात आपके पास क्या है, a1 आपका यहां से आया, a2 यहां से आया, b1 यहां से आया, b2 यहां से आया, c1 यहां से, c2 यहां से, अगर इनमें, अगर ये दोनों की तुलना करते हैं हम, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है a1/a2 ≠ b1/b2, तब हम कहेंगे कि इस समीकरण का हल आपका संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। दूसरा, इसको हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इस समीकरण को अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जो रेखाएं आएगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि इस प्रकार से कोई रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से आपकी रेखा आएगी, इसका मतलब वो आपका क्या है, संगत है, अद्वितीय है
और ग्राफ में आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, ये आपका जो भी आंसर आता है एक्स और वाई आपका हल हो जाता है। चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं, तो आगे के चलते हैं। ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, इसी समीकरण के गुणांक लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर ये गुणांक आपस में यहां पर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इस प्रकार से गुणांक अगर आते हैं तो हम कहेंगे कि ये असंगत है। क्या है? असंगत है, और इसको कहेंगे कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, क्या बनाएंगे? ग्राफ अगर बनाते हैं तो जो रेखाएं आती है आपकी समांतर रेखाएं आएगी, समांतर रेखाएं किसमें? ग्राफ में, ग्राफ में आपकी समांतर रेखाएं आएगी। इस प्रकार से रेखाएं आएगी, ये दोनों रेखाएं कहीं पे भी नहीं मिलती है, इसलिए इस प्रकार के गुणांक अगर होते हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो अगले अनुपात की, जिसे आपका ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, अगर इस प्रकार से तीनों ही बराबर है तब हम कहेंगे अनेक हल या हम कहेंगे संगत हल। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास संपाती रेखाएं क्या आएगी दोस्तों? संपाती इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा इस प्रकार से आएगी, इसलिए एक रेखा दूसरी रेखा को ऊपर ढकती हुई चलती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हल है अनेक हल है या संगत है। एक बार वापस देखिए दोस्तों, अगर कोई हल होगा तो वो संगत होगी, कोई हल नहीं होगा इसका मतलब वो आपकी असंगत है। आपके दो स्थितियों में संगत है, जब अनेक हल हो और अद्वितीय हो तो सब संगत कहेंगे, जब कोई हल नहीं ग्राफ में आपकी समांतर रेखा आ जाती है तो भी आप कहेंगे कि इस ये असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अपना सवाल ये अनुपात तो ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म में संगत है या असंगत है। देखिए हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, दो समीकरण है, दोनों रेखीय है, और ये इसलिए इनको रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? मानक रूप के रूप में लिख देते हैं, दो एक्स माइनस तीन वाई, इस आर को इधर ले आएंगे, इधर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये मानक रूप में आ गई। ये आपके पास चार है माइनस छह है, छह वाई माइनस नौ इज इक्वल टू जीरो आ गई। दोनों ही आपकी क्या है? मानक रूप में हो गई। अब हम क्या करते हैं? चल गुणांक की तुलना करें, ए बराबर ए वन बराबर टू, बी वन बराबर माइनस थ्री, सी वन बराबर माइनस आठ, ए टू चार, बी टू माइनस छह और सी टू आपका माइनस के नौ हो गए। इस प्रकार से हमें तुलना करनी, देखो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। ठीक है दोस्तों, अब अपने यहां लिखते हैं ए वन आपका, यहां से देखिए आपका ए वन है आपका दो है, ए टू आपका चार है, ठीक है ना, बी वन आपका माइनस तीन है और B2 माइनस छः है, इज इक्वल टू आपका माइनस आठ। ये क्या है? C1 माइनस के आठ है और ये माइनस के नौ है। देखिए अपन इसको काट लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, दो एकम दो, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, इस प्रकार से एक बटा दो, एक बटा दो और ये आठ बटा नौ, यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होता है ये असंगत है, ये असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना जो अगला प्रश्न है वो आपका
तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो, छह एक्स माइनस दो वाई बराबर चार। इसको हम मानक, सबसे पहले क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना है। ये माइनस दो को इधर ले आए, माइनस दो में हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे दो वाई माइनस चार बराबर जीरो, ठीक है ना। अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं, अपने पास देखिए ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। आप सीधा ही मान इसमें से लिख सकते हैं। ए वन का मतलब आपका तीन हो गया, ए टू का मतलब छह हो गया, बी वन का मतलब माइनस एक है, बी टू का मतलब माइनस दो है, ठीक है ना दोस्तों। सी वन का मतलब माइनस दो है और यहां सी टू का मतलब माइनस के चार है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, दो एकम दो, दो दूनी चार। इस प्रकार यहां तो बच गया अपने पास एक बटा दो, इधर भी बच गया एक बटा दो, इधर भी बच गया एक बटा दो। इस प्रकार से हम देखते हैं तीनों ही बराबर है, गुणांक आपके सब बराबर है। इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। और ये आपका संगत हल है। क्या है? संगत हल है। दोस्तों अपनी बात कर लेते अगले सवाल पे। आप 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम मानक रूप में लिख देते हैं। मानक रूप का मतलब 2 को इधर पक्षांतरण कर दिया, इधर 0 बच गया। उसी प्रकार 4x माइनस 4y, इसको इधर पक्षांतरण किया माइनस 5, इधर आपके पास 0 बच गया। इस प्रकार से मानक रूप में आपकी समीकरण आ गई। आप क्या करेंगे, अब तुलना कर लेंगे ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, ठीक है दोस्तों। यहां से आपका दो माइनस दो और माइनस दो, ठीक है दोस्तों। और यहां से आप बटा चार माइनस के पांच, और बीच में आप बराबर बराबर लगा दीजिए। सीधी से आप एक साथ लिखते जाइए, और ये आपके पास दो एकम दो, दो दूनी चार। माइनस से माइनस कट गया, आपका दो एकम दो, दो दूनी चार। माइनस से माइनस कट गया, आपके पास यहां कोई कुछ कटता नहीं है। यहां आपके पास एक बच गया, यहां नीचे दो बच गया, यहां एक बटा दो बच गया, यहां दो बटा पांच बच गया। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब आपकी तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई है वो है आपका कोई कोई हल नहीं है, असंगत है, ठीक है दोस्तों। और ग्राफ अगर बनाते हैं तो दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से आएगी, इसको असंगत कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अपना अगला सवाल है, इसमें बटेवे में है। आप क्या करेंगे, बटेवे को हटाने के लिए आप जिसे बटेवे में तीन है, आप पूरी समीकरण को तीन से गुणा कर देंगे। अपना तीन से तीन कट जाएगा, इधर चार एक्स छह वाई बराबर चौबीस। इसको मानक रूप में लिख दे, चार एक्स प्लस छह वाई, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, प्लस था इधर आगे माइनस हो गया। इसको भी हम इधर पक्षांतर कर दे, दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस बारह इज इक्वल टू जीरो। ये और ये आपकी दोनों क्या है, मानक रूप में हो गई। इससे पहले अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पे आपको रीट की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। तो अपना देखिए हम वापस तुलना कर लेते, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, ये आपका चार है, ये छह है, माइनस चौबीस है। उसी प्रकार बैठे हुए लिख देंगे हम, यहाँ से आपका दो है, तीन है और माइनस के बारह, बीस में बराबर लिख दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब इसको काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। बारह एकम बारह, बारह दूना चौबीस। इस प्रकार से आपका दो बराबर दो आ गया। इसका मतलब तीनों ही आपके पास अनुपात क्या है, गुणांकों के अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये जो है आपका संगत होगा, हल जो होगा संगत हल है, ठीक है दोस्तों। अगर और संगत हल, और ये जो होगा आपकी अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल। और ग्राफ अगर बनाते हैं तो
तो आपकी संपाति रेखाएं इस रेखा के ऊपर रेखा आएगी। मिलेंगे इसी प्रश्नावली के ग्राफीय हल के वाले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।